खबर इंदौर से है, जहां महिला सुरक्षा से जुड़े कानून का महिलाओं द्वारा गलत उपयोग कर पति सहित ससुराल पक्ष के खिलाफ झूठे केस दर्ज करने के खिलाफ संस्था फॉर रूस ने शनिवार देर शाम अनूठा प्रदर्शन किया। संस्था पदाधिकारियों ने मंदिर में लुटेरी व झूठेली दुल्हनों की खिलाफत करते हुए घरेलू हिंसा का हवन किया। इसके साथ ही पिंडदान भी किया। खास बात यह है कि अनूठे प्रदर्शन में ससुराल पक्ष के लोग भी शामिल थे। शाम को जिला कोर्ट के सामने घरेलू हिंसा हवन कराया गया। इसके तहत घरेलू हिंसा की देवी के फोटो पर फूल चढ़ाकर हवन कुंड में महिला कानूनों की आहुतियां दी गईं। संस्था अध्यक्ष अशोक दसोरा एवं सचिव मुकेश जोशी ने बताया कि लुटेरी झूठेली दुल्हनों को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए शनि मंदिर में विधि विधान के साथ पूजन करने के बाद संस्था सदस्यों के द्वारा एक रैली के रूप में बोलियां छतरी जाकर कान्हा नदी के किनारे उर्मिला चंद्रावत द्वारा लुटेरी झुटेली दुल्हनों का सह कुटुंब पिंडदान एवं तर्पण किया गया। इसके साथ ही जिला कोर्ट के मुख्य द्वार के सामने खड़े होकर न्यायिक आतंकवाद की आरती उतारी गई। महिला कानूनों का दुरुपयोग करने वाली संस्था फॉरूस का गठन 14 साल पहले किया गया था। संस्था से इंदौर व प्रदेश के ही नहीं अन्य प्रदेशों के वे पत्नी पीड़ित पति व उनके परिवार के लोग जुड़े हैं जो पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए झूठे केसों का शिकार हुए हैं। संस्था द्वारा बीते सालों के समय समय पर इस प्रकार का अनूठे तरीके से प्रदर्शन किया जाता रहा है। आतंकवाद की आरती हम यहाँ कोर्ट के सामने उतार रहे हैं। जय न्यायिक आतंकवाद, हो भैया जय कानूनी आतंकवाद, बोलो जय न्यायिक आतंकवाद, हो भैया जय कानूनी आतंकवाद, बोलो।